प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12th की विषय लेखा शास्त्र का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। बच्चों, जितने भी आपके सब्जेक्ट टेस्ट में आए थे, सब पर हमने वीडियो बना दी है। जो सब्जेक्ट आपका हो, आपका टेस्ट आया हो, तो आप देख लीजिएगा, सबकी लगभग बन चुकी है। अगर कोई रह गई है बच्चों, एक दो, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आप बच्चों कंपल्सरी हिंदी और इंग्लिश जो भी बच्चों आपकी आई थी, कोशिश रही है कि सब सब्जेक्ट की बना दें। अगर कुछ नहीं बन पाई हैं तो बच्चों बनती जा रही है, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी। तो आज बच्चों हम कर रहे हैं लेखा शास्त्र 12th क्लास का। तो बच्चों क्वेश्चन पहला है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए आएगा, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। दूसरा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति है। तो बच्चों इसका आंसर है बी, वस्तुगत खाता। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा है, चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा है। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी आएगा, दायित्व। चौथा है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है। तो बच्चों इसका आंसर ए, आय सही है। पांचवा है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। तो बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी, बराबर बराबर। तो इसका आंसर बी आएगा। छठा है, साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी, 50 सही है। सातवां है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद है। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी आएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क। आठवां प्रश्न है, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा, लिखित समझौता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। नौवां है, क्लब ने विशेष कोष के लिए 15,600 प्राप्त किए, जिसमें से 8,400 व्यय कर दिए। उस क्लब के आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। दसवां बच्चों प्रश्न है, वो क्लियर नहीं है और रॉन्ग आंसर हम आपको बताना नहीं चाहते हैं। प्रश्न है, सामान्यता अनुरक्ति को दिखाया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं लगा, इसलिए इसका हम आंसर नहीं बता पाएंगे। हम आपको गलत आंसर नहीं बताएंगे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो बच्चों ये हुआ था 1 सितंबर 1932। तो ए ऑप्शन इसका सही आएगा। बारहवें, साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किस खाते के माध्यम से किया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा बी, लाभ हानि नियोजन खाता। तेरहवां है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर होती है बच्चों 6% वार्षिक। इसका ऑप्शन बी राइट है। चौदहवां है, आय व्यय खाता उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट है। पंद्रहवां है, एक क्लब के 100 सदस्य हैं, वार्षिक चंदा प्रति सदस्य 30 रुपये है। वर्ष 19-20 के अंत में सदस्यों के 300 रुपये बकाया है। वर्ष 19-20 के आय व्यय खाते में चंदे की मद में दिखाई जाने वाली राशि होगी 3,000 रुपये। इसका ऑप्शन आएगा बी। सोलहवां है, किसी साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को समान राशि आहरण पर कितने माह का औसत ब्याज परिकलन किया जाएगा? तो बच्चों 6.5 माह यानी 6.5 माह। इसका ऑप्शन ए आएगा। सत्रहवां है, निवेश पर ब्याज प्राप्त हुआ 850 रुपये, जिसमें पूर्व वर्ष का अर्जित ब्याज 100 रुपये सम्मिलित है। कितनी राशि आय व्यय खाते में खताई जाएगी? तो आएगा बच्चों 750 रुपये। इसका ऑप्शन आएगा सी। अठारवां, सौरभ स्पोर्ट्स क्लब के वर्ष के अंत में संपत्तियां 19,000 थी, दायित्व रुपये 5,000 तथा आय व्यय खाते का डेबिट शेष 1,800 रुपये था। प्रारंभिक पूंजी कोष होगा 15,800 रुपये। इसका आंसर आएगा बी। 19वां है, यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000 रुपये, अंतिम स्टॉक 3,000 रुपये, वर्ष के दौरान नगद स्टेशनरी खरीदी 20,000 रुपये तथा इस व्यवहार को प्राप्ति या भुगतान खाते में किस प्रकार दिखाएंगे? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है बी, भुगतान पक्ष में 20,000 रुपये। ये ऑप्शन राइट है। 20वां है, किसी साझेदार के पूंजी खाते का शेष कम होगा आहरण पर ब्याज से। तो इसका ऑप्शन बी है। तो इस तरह से आपका आज का जो अकाउंटेंसी का बच्चों टेस्ट आया था वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों हमने ओनली आपको आंसर बताए हैं,
लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इनको खुद हल करेंगे। हम आपको केवल सिखाने के लिए बनाते हैं, करना आपको है, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपकी हेल्प के लिए हम वहाँ नहीं होंगे, तो आपको खुद याद रखना है, इनको खुद सॉल्व करके भी देखना है। तो इस तरह से आपकी आज जो टेस्ट मिला था वो आपका कंप्लीट होता है। बाकी सब्जेक्ट के बच्चों हमने टेस्ट तैयार कर दिए हैं, सबको याद करके जाइएगा स्कूल में, और नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रखिएगा जब आपका ऑफलाइन होगा। हो सकता है अब भी आपका ऑफलाइन चल रहा हो, अगर ऑफलाइन होगा तो आपको वहाँ जाकर देना होगा, तो याद करके जाना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।